नमस्कार मु आदित्य दास आपण मानको स्वागत करूची मोर यूट्यूब चैनल आदि स्पिरिचुअल एंड मॉडर्न वर्ल्ड को। आज आम जानिबा असवर्ण विवाह को विरोध करा जाए काहेकि जाति कहले आम साधारणतः चारि जाति को बुझी थाओ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। यह चारि जाति पुणी तीन प्रकार सामाजिक धार्मिक और ज्योतिषिक। जन्मानुसार पुत्र कन्या पितार जाति बहन करने को सामाजिक जाति कहा जाए। ब्राह्मण पुत्र हुए ब्राह्मण क्षत्रिय पुत्र हुए क्षत्रिय इत्यादि। कर्म अनुसार होता जाति को धार्मिक जाति कहा जाए। गीतार भगवान श्रीकृष्ण ही जाति विषय कही चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टम गुणकर्म विभाग सह। ज्योतिष शास्त्र मतरे जन्म राशि अनुसार व्यक्तिर जाति हुए। यही जाति सह धार्मिक जातिर संपर्क रही कारण जन्म राशि अनुसार व्यक्तिर गुण होता है। मेलक विचार बेले यही जाति वर्णकूट रूपे विचार करा जाए जथा मेष सिंह और धनु राशि क्षत्रिय जाति वृष कन्या और मकर राशि वैश्य जाति मिथुन तुला और कुंभ राशि शूद्र जाति कर्कट बिच्छा और मीन राशि ब्राह्मण जाति। तेबे शास्त्र मतरे विवाह पई ज्योतिषिक किंबा कर्मानुसार जाति ग्रहण करबा उचित। तेबे आम हिंदू धर्म अनुसार वर्ण भेदरे विवाह तीन प्रकार सवर्ण अनुलम और प्रतिलम। समवर्ण पुरुष सह नारीर विवाह हेले सवर्ण विवाह कहा जाए। उच्च वर्ण पुरुष सह नीच वर्ण नारीर विवाह हेले अनुलोम विवाह कहा जाए। नीच वर्ण पुरुष सह उच्च वर्ण नारीर विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा जाए। यह मध्यरु प्रतिलोम विवाह को बारण करा जाए। शास्त्र मतरे समकर्म करुथवा पुरुष और नारी के मध्य विवाह श्रेष्ठ अटे। यहाद्वारा नवदंपति सेमानंक जीवन काल मध्य बहु उन्नति करिपारिबे। यह संभव नहले ज्योतिषिक जाति अनुसार विवाह उत्तम मात्र प्रचलित सामाजिक जाति अनुसार विवाह कौनसी युक्तियुक्तता नाही। सवर्ण और अनुलोम विवाह द्वारा उत्पन्न संतान माने उन्नति करती मात्र प्रतिलोम विवाह द्वारा उत्पन्न संतान माने अधम हुआ। सबुबले एमती नुआ नुआ कथा जानिबा सब्सक्राइब करने को भूलु ना मोर यूट्यूब चैनल आदि स्पिरिचुअल एंड मॉडर्न वर्ल्ड। धन्यवाद।